अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तुर्किश सीरीज कोरलस उस्मान के मुतालिक आपको अपडेट करते चले कि कोरलस टीम अब वो ख़ास करदार मुतारफ करवाने जा रही है जो कि अर्तुगरुल गाज़ी और कोरलस उस्मान के पहले दो सेशन में जारी रहा और अब जबकि तीसरे सेशन में अभी तक उस किरदार को नहीं लाया गया, अब सीरीज़ को और इंटरेस्टिंग करने और जानबदार बनाने के लिए उस किरदार को मुतारफ कराने जा रहे हैं, उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले जानते हैं कि आज के इस एपिसोड में क्या क्या हुआ। निकोलिया ने गद्दारी करके निकोला और आलम शाह को उस्मान को ससुर रोका तो उसके प्लान के मुतालिक बता देती है। वो गद्दारी कोशिश उस्मान के साथ मिल चुका है, उस्मान किले में आएगा, जिसके बाद उस्मान को गिरफ्तार कर लेते हैं, कोशिश को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उनको गिरफ्तार करने के बाद कोशिश को कोने के लिए रवाना कर देते हैं और उस्मान को निगोल में ही फांसी देने का फैसला करते हैं। जब उस्मान को फांसी पर लटकाते ही हैं तो थोड़ी देर में कासिद आ जाता है सुल्तान की तरफ से, जो कि कहता है कि सुल्तान ने इसको ज़िंदा हमारे सामने पेश करने का कहा है, आप यहाँ फांसी नहीं दे सकते। तो वो उस्मान को आज़ाद करवा कर ले जाता है। जब रास्ते में ही जाते हैं तो उन पर हमला हो जाता है आलम शाह, जो कि ग्यातु का गुलाम बन चुका है। वो ग्यातु से मिलता है और ग्यातु से मिलकर उन पर हमला करवाते हैं। और जो मशहूर किरदार जो कि इस एपिसोड से तीसरे सेशन में आ रहा है वो यही मंगूल, यानी कि जो मेन किरदार है ग्यातु, इस एपिसोड में आ रहा है। और ग्यातु मिलकर जाता है उस्मान पर हमला करता है और उस्मान के सारे साथियों को काबू में कर लेता है और उनको बांध देता है। तो यहाँ से दूसरी तरफ तुर्कत जो है, तुर्कत सरदार जाके कोशिश को छुड़ाता है। कोशिश को छुड़ा कर वो अपने सिपाही लेकर आ जाता है उस्मान की तरफ और उस्मान जो कि वो अपने साथियों समेत ग्यातु के कब्ज़े में होता है। ग्यातु खुद गया होता है और उसका जो ग्यातु का एक गुलाम होता है वो उनके पास होता है। तो तुर्कत और एक तरफ से हमला करता है ग्यातु के लोगों पर, मंगूलों पर, और दूसरी तरफ से कोशिश मंगूलों पर हमला करते हैं, जिसके बाद उस्मान और उसके साथियों को उनके कब्ज़े से छुड़ा लेते हैं। और अब ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि जो कि मंगूल जो कि बहुत ही अहम किरदार निभाते हुए ग्यातु इसमें आ चुका है। और अब ये उस्मान जो है वो सरदार सुल्तान के साथ मिलेगा। सुल्तान इस तरफ से निकोला ग्यातु और आलम शाह उस्मान का इत्तेहाद हो चुका है। दूसरी तरफ उस्मान तुर्कत सरदार और कोशिस का आपस में इत्तेहाद हो चुका है। अब इनके आपस में टकराव होगा मिलकर, और इसी तरह अब आगे उस्मान जो है वो सुगूत में आएगा और आकर वहाँ पर उन पर हमला करेगा, आलम शाह को मारने की कोशिश करेगा। और आलम शाह जख्मी तो हो जाएगा लेकिन छुप जाता है, छुपकर अपनी जान को बचा लेता है। उस्मान का भाई जो है वो जिरगा मुनक़द करने की कोशिश करता है लेकिन उसे जिरगा मुनक़द करने नहीं दिया जा रहा। इसी दौरान ग्यातु सबूत में आता है उस्मान और सबूत में हमला करने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस्मान का जो करीबी साथी है वो कहता है कि उस्मान भाग चुका है। तो ग्यातु गुस्से में आकर कहता है कि उस्मान को पकड़ने के लिए जाओ, अपने तमाम साथियों को गुलामों को उनके पीछे भेज देता है। तो नाज़रीन अब मंगूलों की एंट्री हो चुकी है, अब यह सीरीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। आपको दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इससे आगे क्या होता है। कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।